इयर्स दैट हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अ गिवन इंटीग्रल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स टू सॉल्व द इंटीग्रल टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल. सो व्हेन द रीजन डी इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर द एंगल्स अल्फा एंड बीटा एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर इन पोलर फॉर्म. सो व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर इन पोलर फॉर्म then double integral of the function is given or defined by this. So here dA is the element of the area. That is also equal to dx dy. We have seen this term in the integral of Cartesian coordinate, and that is also equals to r dr d theta in the polar form. So you can replace dx dy by r dr d theta. So here dx, dy and r, dr, d theta are the elements of area and Cartesian polar coordinate respectively. Now note that integration of the polar coordinates is useful in some cases, especially when function contains circular terms or the polar forms, or the function has the term x square plus y square. जब भी आप देखें कि function polar form में दिया हुआ है, integrand polar form में दिया हुआ है, r और theta में दिया हुआ है, उस वक्त या फिर ख़ास तौर पे सर्कुलर फंक्शंस दिए हुए जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन कोसाइन सर्कुलर फंक्शंस हैं, इनके इनवर्सेस, और साथ में यहाँ पर ये हमारे पास आज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म मौजूद हो इंटीग्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब है कि अब हम करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल को. सो किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करते ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एवेल्यूएशन करने के लिए डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट से. एक्स को सब रिप्लेस कर देते हैं आर कोसाइन थीटा जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, और वाई को आर साइन थीटा में, और ये जो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर ले लेते हैं आर स्क्वायर के. एंड यू नो ऑलरेडी फ्रॉम द पोलर कोऑर्डिनेट्स दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स. सो वी शैल सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. And furthermore, we shall replace dx dy or dy dx is equals to r dr d theta. इसको replace करते हैं इस form में r dr d theta. So you will be more clear when you see the example. But let us move the example and see how we can transform a given integral in the polar form, and then how we can evaluate the integral using the polar coordinates. So here we have given an integral. So we have to evaluate this integral. Exponential of minus x square plus y square dx dy, and we have to integrate this over the region D. D region is defined that is a closed disk of radius a with center at origin. So this is the circle. अब circle में देखिए जो points होते हैं वो boundary points होते हैं. Circle जो होता है इस shape ही circle है, तो इसके जो सेंटर सपोज करिए सेंटर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो इस सेंटर से लेके इक्वल डिस्टेंस पे हैं ये बाउंड्री पॉइंट बनाते सर्कल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सेंटर से लेके ये पॉइंट ए तक का डिस्टेंस हो गया. यहाँ पे कि मैंने ए तो रेडियस होता है, सो इट इज़ अ सर्कल. अब इसके सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स होंगे. अब ये डिस्क कब बनेगा, तो डिस्क कब बनेगा जब हम इंटीरियर पॉइंट्स भी ले लेंगे बाउंड्री पॉइंट के साथ साथ. अगर इंटीरियर पॉइंट भी ले लेंगे तो ये क्लोज डिस्क बन जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट मैं शेड कर रहा हूँ ये भी हम ले लें, इंक्लूड कर दें इसके सारे पॉइंट. तो ये बन गया सर्कल. अब सर्कल की एंगल क्या होगी, जीरो से लेके टू पाया, और रेडियस क्या होगा, जीरो से लेके ये जो रेडियस गिवन है यहाँ पे पॉइंट ए, तो रेडियस होगा जीरो से लेके ए तक. तो रेडियस हो गया जीरो से लेके ए तक, और एंगल हो गई जीरो से लेके टू पाया. तो इन इंटीग्रल्स के अंदर खास तौर पे कभी कभार ये दिया हुआ होता है कि स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, आपको लिमिट्स गिवन नहीं होती. जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ, लिमिट्स गिवन नहीं है, तो डी जो है वो रीजन की डिफाइन किया हुआ होता है. तो रीजन में से हम फाइंड करते हैं कि लिमिट्स क्या होंगी जो इंटीग्रेट करेंगे. तो सबसे पहले तो आप यहाँ कमेंट लिखें कि इंटीग्रेट जो है ये इसके अंदर ये टर्म आ रही है कौन सी टर्म है, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू
transform the given integral to the polar. So now we need the limits of this. So limits from this region, this is the region D, which include the outer interior and the boundary points of this. So limit of R, so polar coordinates are R and theta. So limits, the limits. So now substitute here, put x is equals to r cosine theta, y is equals to r sine theta, and also r square is equals to x square plus y square. Substitute kar dein. So integral will be exponential of minus x square plus y square. Dx dy. Furthermore, we have to substitute dx dy is equals to r dr d theta. So now the limits will be limits of theta, theta from 0 to theta is equals to 2 pi, and then limits of r from r is equals to 0 to r is equals to point a, and exponential of minus r square, because x square plus y square is equals to r square, and here you will have dx dy, that is equals to r dr d theta. So now you can integrate this. Exponential of minus r square r dr and then d theta outside of this. So here you can apply the formula, and this formula will be useful for you, that whenever we have the exponent power of function and then a function derivative of the function is multiply here, then integral of this will be equals to exponential f of x same. Let's see. So here we have function that is equals to minus r square, or simply means we have the function f of r is equals to minus r square. Then derivative of f of r will be equals to minus 2r. So you have r here, you have to multiply by minus 2. So multiply and divide by minus 2 to balance the derivative of the derivative which will be used in the integral. So this will be now theta from 0 to theta 2 pi same, and then we have integral of r from a to r from 0 to r is equals to a. So multiply divided by minus 1 upon 2. So you will have exponential of minus r square, and now you will get here minus 2 and then r, and then you have dr and then d theta. So now this integral will be equals to exponential of minus r square divided by minus 2. This is the integral with respect to r. Now substitute the limits using the fundamental theorem. So this means first we substitute upper limit and then the lower limit. So from here, when you substitute the upper limit, you will have exponential of minus a square, r will be equals to a, divided by minus 2, minus 4 the formula. Now you substitute the lower limit, that is 0, so this will be minus 0 square upon minus 2. So we see that minus 2 is common, this will be equals to, if I take this as minus 2 over here, so this will be equals to exponential of minus a square and minus 1 d theta. So now you have to integrate with respect to theta. Further, we can also rearrange this in this way.
by multiplying by minus sign, you will get 1 minus exponential of minus a square and then divided by 2 d theta. So we see that when we have to integrate with respect to theta, so 1 is constant, exponential of minus a square is constant, 2 is also constant. So you can keep this as the coefficient of the integral. This will be 1 minus exponential of minus a square divided by 2. यह भी एक कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. सो इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो यू विल गेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड हियर यू हैव इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल 0 एंड 2 पाया. So you will get 1 minus exponential of minus a square divided by 2, and then you have 2 pi a minus 0. Simplifying, you will get 1 minus exponential of minus a square pi. That is the solution. So main thing is that the substitution, and the other how you can find out the limits from the given region. The domain. तो इसमें कहा गया है कि दो सर्कल्स हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि एक जो है सर्कल उसमें रेडियस है ए, दूसरे सर्कल के अंदर जो है रेडियस है बी, और ए जो है छोटा है बी से, यानी कि जो पहले छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस है ए, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है ए, और उसके बाद वाला सर्कल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो है बी. तो अब ये जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं शेड कर रहा हूँ ये, और ये डिफरेंस शेड कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ गया दोनों के बीच, सर्कल्स के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये ए रीजन हो गया. तो इसका मतलब है कि लिमिट्स क्या बनेगी, तो आप देखिए लिमिट्स ए से लेके बी तक, यानी कि ये हिस्सा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए से लेके बी तक हो गए लिमिट्स रेडियस की, और एंगल जो है थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू. तो यहाँ पे पहले हम कमेंट लिखेंगे, वी आर टू सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन, साथ में लिमिट्स ऑफ आर फ्रॉम आर इक्वल्स टू ए टू आर इक्वल्स टू बी, लिमिट्स ऑफ थीटा दैट इज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 2 पाई. तो ये लिमिट्स हो गई थीटा की. नाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म द गिवन इंटीग्रल, सो वी हैव द इंटीग्रल दैट इज डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन डी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है डी एक्स डी वाई. तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब ये लिमिट्स भी आ गए हमारे पास, थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा इक्वल्स टू 2 पाई ये यूज होंगे, और आर जो है फ्रॉम ए टू आर इक्वल्स टू बी, और फंक्शन अब चेंज हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर डी आर डी थीटा. सो दैट वी कैन आल्सो राइट, इफ यू कैंसिल आउट दिस वी कैन राइट दिस थीटा फ्रॉम 0 टू 2 pi, and furthermore the integral from r a to r equals to b, and then you have 1 upon r dr and then d theta. Now you can integrate this. इसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद ही कीजिएगा आगे. सो आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पर कहा गया है के फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
और सॉलिड बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड. तो वॉल्यूम का फार्मूला डबल इंटीग्रल में क्या होता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. सो वी शैल अप्लाई दैट फार्मूला. सो हेयर वी आर गिविन द पैराबोलाइड 4 - x² - y² एंड एक्स वाई प्लान. तो यहाँ पे दो चीज़ें गिविन है, एक तो एक्स वाई प्लान गिविन है, दूसरा ये जो पैराबोलाइड गिविन है. तो वैसे अगर देखिए आप, ये जो आपका एक्स वाई प्लान है, एक्स वाई प्लान, ये जो आपको ब्लू शेड नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर एक्स वाई प्लान. अब ये जो इंटरसेक्ट कर देता है पैराबोलाइड को, यहाँ पे कट करता है, तो यहाँ पे सर्किल बनता है एक्स वाई प्लान में. तो अगर आप ज़रा इसको गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो इसमें ये वैल्यू दी हुई है 2 - 2, आगे +2 भी होगी, यानी कि इस सर्किल जो बनेगा नीचे जब ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स वाई प्लान इस पैराबोलाइड को, तो ये रेडियस बनेगा इसका 2, और इसकी पीक जो है वो 4 है, क्योंकि जब एक्स 0 और वाई 0 जब सेंटर पे होंगे, एक्स और वाई 0 0 होंगे, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4. तो यहाँ पे आपको इंडिकेट भी हो रहा है 4, और नीचे फिर इन्फिनिटी जा रहा है. तो सिर्फ हमें एक्स वाई प्लान तक लेना है ये हिस्सा, और उसका अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना क्या है. तो इसके लिमिट्स कैसे निकलेंगी, तो लिमिट्स, तो पहले तो हम लेके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला सो वॉल्यूम का फार्मूला डबल इंटीग्रल में है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी, रीजन तो बन गया ये सर्किल नीचे वाला, और जेड ये फंक्शन की मैंने जेड डी एक्स डी वाई, ये फार्मूला इसका, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स कमा वाई है वो जेड के बराबर, जैसे यहाँ पे जेड इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, तो हमने एफ रख दें या जेड रख दें की बात है. अब लिमिट्स फाइंड करेंगे, लिमिट्स फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर हम एक्स वाई प्लान में आते हैं तो यहाँ जेड जो है 0 होगा. सो इन एक्स वाई प्लान जेड इज इक्वल्स टू 0, जब जेड 0 है एक्स वाई प्लान पे, जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट इन जेड इज इक्वल्स टू 4 - x² - y² सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 4 - x² - y² तो इसको रीराइट करें, यू विल गेट x² + y² इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, और फिगर में दिख भी रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 2, रेडियस 2 है सेंटर ओरिजिन है. तो अब जो है इसके लिमिट्स फाइंड करेंगे और फिर कमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्म x² + y² आ जाएगी जेड फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो ये 4 - x² + y² तो वी शैल यूज दी पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पहले लिमिट्स लिख लें यहाँ पे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर लें. सो लेट अस फर्स्ट ट्रांसफॉर्म दिस. सो फॉर दिस वी शैल राइट अ कमेंट, सिंस इंटीग्रेट कंटेन टर्म x² + y² सो वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो नाउ सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल्स टू आर कोसाइन थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, x² + y² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू आर डी आर डी थीटा एंड लिमिट्स विल बी x
लिमिट्स ऑफ थीटा, तो थीटा की लिमिट वही होंगी, थीटा अधिकस टू 0 टू थीटा अधिकस टू 2 पाए। अभी जब जेड 0 है तो सर्किल की क्वेश्चन सर्किल की बन जाती है, और सर्किल की एंगल जो 0 से लेके 2 360 है, दैट इज 2 पाए। एंड लिमिट्स ऑफ आर, लिमिट्स ऑफ आर क्या होंगी इस सर्किल के, उनके इसका रेडियस 2 है, तो 0 से लेके 2 तक ये आ गए लिमिट्स। सो नाउ यू कैन यूज द लिमिट्स टू इंटीग्रेट द गिवन इंटीग्रल।